से तेज चला हमारे रवि राघवर, तब उन्होंने इस कड़ी को, उन्होंने अपने पिताजी के सपनों को साकार करते हुए विजय जिला पंचायत सदस्य बन के त्रिपुरा विधानसभा से निर्वाचित हुए। जब इलेक्शन हो रहा था तो हम उनका बड़ा उत्साह देखते थे कि रवि जी का क्या रिजल्ट आएगा। सरकार के माध्यम से एक दो दिन उसको होल्ड भी रखा गया, लेकिन फिर जहाँ न्याय मिलता है, जहाँ सत्य है, उसकी जीत होती है। और ऐसे तेज जगह हमारे रवि राघवर, तब उन्होंने इस कड़ी को, उन्होंने अपने पिताजी के सपनों को साकार करते हुए विजय जिला पंचायत सदस्य बन के त्रिपुरा विधानसभा से निर्वाचित हुए। और मुंबई में इनका अंधेरी के क्षेत्र में आगमन में हनुमान मंदिर के प्रांगण में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपनी कामयाबी में और आगे बढ़े। और जहाँ हमारे समाज का जहाँ कोई आवश्यकता पड़ेगी तो आवाज़ करेंगे तो हम लोगों को तन मन धन से समाज इनके और राशि राजा सेवा संघ का पूरा परिवार आपके साथ है। और एकाएक संजोग ऐसा था आप लोगों को कम समय में आप लोगों को आए, मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि सुबह ही मेरी रवि भैया से बात भी बोले भैया मैं मिलने आ रहा हूँ। 4 बजे का समय मुझे मेरे घर के लिए दिए थे, अभी भैया घर पे आओगे तो अकेला मुलाकात होगा मेरा। मैं चाहता हूँ कि मेरे समाज की जो अंधेरी में रहते हैं आप उनसे आइए, मैं एक मीटिंग करता हूँ, मैं बात करता हूँ अध्यक्ष महोदय से कि भैया एक मीटिंग हो तुरंत में इमरजेंसी। जो हमारे वरिष्ठ लोग थे मैंने बात किया, हमारे ग्रुप चलते मैंने उस पर संदेशा दिया और आप लोग इतनी भीड़ इकट्ठा हुए, मैं आपका दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि मैंने रवि भैया को फ़ोन किया कि भैया आप 6:30 का समय आप आइए, उनको कुछ कारण से विलम्ब हो गया लेकिन आए। मैंने कहा कि हमारा परिवार आपका इंतजार करेगा, मोहर पाई का एक ऐसा है कि चलो सबको इंतजार किया है, इंतजार की घड़ी में देखा है, उसी तरह आपको भी इंतजार की घड़ी में देखा है। और अभी के लिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि ऐसे नौजवान हमें मिले हैं और अभी से भी मेरा एक अपेक्षा है कि रवि जी देखिए ये समाज बहुत अपना जब चाहता है तो बहुत ऊपर चढ़ा देता है, जिस दिन उतारता है तो तुरंत नीचे भी उतार देता है। तो मेरा एक अपेक्षा है 10 काम होगा शायद 1 काम ना हो, इसकी कोई सी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कहीं अगर हमारा भाई किसी चीज या किसी मुद्दे पर अगर भटक रहा है तो सहजों में ये आपसे एक प्रयास करूंगा कि आप उसमें तन मन धन से उनका सहयोग करने का कोशिश करेंगे। अब आप हमारे बीच में आए हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं चाहूँगा कि आपका एक मार्गदर्शन हमारे अंधेरी शाखा के हमारे समाज का समाज के भाइयों को आप दें। मैं इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय स्वामी, जय।